ये 1400 बरस बाद भी जिक्र अहले बैत अथार बरपाए फर्श अज़ाब पर आप मौजूद हैं, ये इमाम सज्जाद अलैहि सलाम के उस फ़िक्रे का सदका है। वल मोहब्बा फ़ी क़ुलूबिल मोमिनीन व फ़ज़्ज़लना बिसब्इन, का अल्लाह ने हमें 6 फ़ज़ाइल अता किए हैं और 7 हस्तियाँ हमारे ख़ानदान में अता की हैं जो किसी ख़ानदान में नहीं है। मिन्नन नबी अल मुख्तार, नबी मुख्तार हम में से हैं। व मिन्नस सिद्दीक, सिद्दीक अकबर अली जिब्न अबी तालिब हम में से हैं। सिद्दीक अकबर अली जिब्न अबी तालिब, जी सिद्दीक अकबर वो लकब है कि जो रसूल अल्लाह ने मौला अली को अता फरमाया था। जो मुबाहला के मैदान में अल्लाह की तौहीद का गवाह बनकर चला हो उससे बढ़कर कौन सिद्दीक होगा। जो अमीरुल मोमिनीन पर जुल्म हुआ है ना तारीख में, वो एक ये भी है कि जो अली के अलकाब थे। अब मैंने एक फिक्रा पहले कहा था किसी मजलिस में, लेकिन यहाँ पर उसे मुस्ताद लेकर आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ जी, कि मौलाई थे। मैं यहाँ शिया सुनने की बात नहीं कर रहा, मैं शिया सुनने की बात नहीं करता, मैं मौलाई और नासिबी की बात कर रहा हूँ। एक मौलाई ने यह कहा कि मेरे मौला अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया, तो सामने से एक नासिबी था। चूँकि जिक्र हैदर करार पर सुना था कि चेहरे बिगड़ते हैं, अब तो वीडियो में देख भी लिया है, तो जो रसूल अल्लाह ने फरमाया था ना 1400 साल पहले, वो आज वीडियो में सामने भी आ गया। तो एक नासिबी, उसने कहा उसे कैसे बर्दाश्त होता कि अली को अमीरुल मोमिनीन कहा जाए। उसने कहा कि तो मौलाई ने कहा ना मेरे मौला अमीरुल मोमिनीन, ये मैंने कहा मौला अली के अलकाब की जो चोरी हुए ना, ये सिद्दीक से बात निकल रही है। ये तो आलम इस्लाम में सब मोहतरम है, और जिन्हें जिस लकब से जो याद करें उसे क़यामत में अल्लाह सुभान व तआला की खिदमत में हाजिर होना है। मैं फ़ख्र से कहूँगा कि मैंने मौला अली को वो लकब दिया था कि जो रसूल अल्लाह ने उन्हें अता फरमाया था, मैंने तो उस लकब से याद किया था। बाकी तमाम मुसलमान हमारे भाई भी हैं, और हमें यहाँ पर किसी पर तबसरा करने का हक़ नहीं। मैं कोई तबसरा नहीं कर रहा किसी पर, मैं एक हकीकत खोल रहा हूँ, और वो भी तमाम अपने मोहतरम सुन्नी भाइयों को शामिल करते हुए। मेरे मौला अमीरुल मोमिन अली अलैहिस्सलाम, तो सामने से पलट के किसी ने कहा मेरे मौला अमीरुल मोमिन हज़रत फ़लां, मेरे मौला इमामुल मुत्तकीन अली अलैहिस्सलाम, कभी मेरे मौला इमामुल मुत्तकीन हज़रत फ़लां, मेरे मौला सखीउ करीम अली अलैहिस्सलाम, का मेरे मौला सखीउ करीम हज़रत फ़लां। वो जो मौलाई थे ना, उनके दिल में ख्याल आया कि परवरदिगार कोई ऐसी फजीलत तो ज़बान से जारी करवा कि छूट भी चाहे तो कॉपी ना कर सके। तो कहा मौला रज़ा अलैहिस्सलाम की हदीस सिलसिले तो ज़हब ज़हन में आ गई, बहुत हसास नुक्ते पर आ गया हूँ, मेरे साथ रहिएगा। तो जो मौलाई थे उन्होंने उसे देख कर कहा मेरे मौला अली रज़ा इब्न मूसी कासिम इब्न जाफ़र सादिक इब्न मोहम्मद इब्न जाफ़र सादिक इब्न मोहम्मद बाकर इब्न अली ज़ैनुल आबिदीन इब्न हुसैन इब्न अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम, फिर उसे देखकर कहा तू भी तो अपने पीर का शजरा बयान करके बता।